Dear students, Assalamu alaikum. With reference to upcoming attempt of principle of taxation in the month of March, we need to discuss two important points. The first one is, what are the important areas that are going to be asked in the paper? And the second one is, the tips to attempt the paper. First, I would like to discuss about some tips to attempt the question paper. We are very much aware of the fact that our question paper is constituted over two parts. The one part is of numerical and the other part is of theoretical. But I believe पहले हमें theoretical portion को attempt करना है, उसके बाद में हमें numerical भी करना है। और ये भी आप लोगों को पता है कि जो numerical और theoretical portion divide किया है आपने अपने grid में almost 40 to 45 to 50 marks की वो जरूरी पूछ रहा है हमसे, और likewise 45, 50 to 55% का वो हमसे numerical पूछ रहा है। टोटल हमारे 8 क्वेश्चन आ रहे हैं, इसमें से 3 क्वेश्चन मिनिमम हमारे न्यूमेरिकल के हैं और 5 क्वेश्चन जो हैं वो हमारे थ्योरेटिकल पोर्शन के हैं। जब हम थ्योरेटिकल पोर्शन फर्स्ट अटेम्प्ट करते हैं, उसके हमें दो एडवांटेजेस हैं। एक कि बच्चे को कॉन्फिडेंस आता है कि उसने मोस्ट ऑफ द पेपर हैज बीन अटेम्प्टेड बाय हिमसेल्फ, और अदर पार्ट इज न्यूमेरिकल पोर्शन को करने के लिए उसके पास रीजनेबल टाइम अवेलेबल होता है कि वो उसको अच्छी तरह परफॉर्म कर सके, क्योंकि न्यूमेरिकल पोर्शन ही मेक और ब्रेक लेके आता है आपके रिजल्ट में। क्योंकि न्यूमेरिकल पोर्शन आपका सही अटेम्प्ट होगा, वी विल बी एबल टू पास द एग्जाम इजीली, अदरवाइज हमारे लिए प्रॉब्लम हो जाएगी। तो ये चीज आपके साथ शेयर करनी थी कि ऑलवेज अटेम्प्ट थ्योरेटिकल पोर्शन फर्स्ट और बाद में हम न्यूमेरिकल की तरफ जाएंगे। वेयर एज अब आते हैं जी सम इंपॉर्टेंट एरियाज विद रेफरेंस टू अपकमिंग अटेम्प्ट। इन माय ओपिनियन देयर आर 5 चैप्टर्स दैट आर वेरी इंपॉर्टेंट। द फर्स्ट वन इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ टैक्सेशन, एथिक्स ऑफ टैक्सेशन, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस ऑफ टैक्सेशन। इसके साथ दो जो इंपॉर्टेंट मैं शेयर करने लगा हूं, एक है विद रेफरेंस टू सेल्स टैक्स रजिस्ट्रेशन रूल्स। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ रूल्स, रजिस्ट्रेशन के भी हैं, रिटर्न ऑफ इनकम के भी हैं और रिकॉर्ड के भी हैं। इन माय ओपिनियन इन अपकमिंग अटेम्प्ट रजिस्ट्रेशन रूल्स विल बी टेस्टेड। और इसके साथ अगर हम रिटर्न, अपील और असेसमेंट का भी अगर चैप्टर 7 प्रिपेयर कर लेते हैं, तो ये 5 चैप्टर्स वी विल बी एबल आफ्टर कंप्लीटिंग दिस टू अटेम्प्ट 20 टू 25 मार्क्स इंशाल्लाह। व्हाट आई बिलीव कि 20 से 25 मार्क्स का थ्योरेटिकल पोर्शन का क्वेश्चन इन 5 चैप्टर में से आता है। तो अगर हम थोड़ी सी अपनी मेथोडोलॉजी को चेंज कर लें कि हाउ टू प्रिपेयर आवरसेल्फ विद रेफरेंस टू थ्योरी, तो ये 5 चैप्टर हमें हेल्पफुल हो सकते हैं कि हम अपने पेपर को रीजनेबली अटेम्प्ट कर सकें। इसके अलावा बाकी आपको पता ही है कि जो हमारा पहला ग्रेड है वो 3 चैप्टर्स पे डिपेंड करता है। 10 मार्क्स का क्वेश्चन उसमें आ रहा है, 65 मार्क्स का हमारा इनकम टैक्स का पोर्शन है और रिमेनिंग पोर्शन इज ऑफ सेल्स टैक्स। मिनिमम टैक्स अनदर इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज गोइंग टू बी टेस्टेड इन अपकमिंग अटेम्प्ट इंशाल्लाह। अगेन ये हमारी विश है, पेपर जो बनाना है वो तो आई के आपने नहीं बनाना है, बट आई बिलीव मैं वो आपसे शेयर कर रहा हूँ कंसिडरिंग आर रेलेवेंट एक्सपीरियंस। न्यूमेरिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से जाए तो देयर इज अ प्रोबेबिलिटी कि एओपी की टैक्सेशन हो, और जब भी एओपी की टैक्सेशन हुई है तो वो दो तरह से टेस्ट हुई है। बिजनेस इनकम के रेफरेंस से, जिसमें आपकी इन एडमिसिबल सेक्शन जो है वो इंपॉर्टेंट है सेक्शन 21, और इसके बाद में जब वो मेंबर्स में डिराइव करता है, मेंबर्स को अपनी एओपी से इनकम भेजता है, तो उन मेंबर्स की अपनी